अन्त सर्वप्रथम त सम्पूर्ण मिडिया, जयगाउँ मिरर्स, जयगाउँ भोइस, जयगाउँ टुडे र जयगाउँ डेलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले आफ्नो व्यस्तता पन्छाएर यस हाम्रो आह्वानमा आइदिनु भएको छ। आजको मुख्य कारण, बोलाउने कारण चाहिँ हाम्रो हो, हामीले 11-12 जस्तै जति पनि नयाँ स्टुडेन्टहरू देख्नुहुँदैछ अहिले, यसपालि क्लास 10-12 दिएको नानीहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गराउँदैछौँ। उहाँहरू अब यहाँ 12 सकेर सबैजना बाहिर कलेज जानेहरू छ र हामीलाई उहाँ जति पनि भाइभाहरूको लागि जब हामीलाई कम्प्युटर रिलेटेड कुनै क्वेसन्सहरू आउँछ फ्युचरमा गएर, त्यस रिलेटेड पनि आज हामीले उहाँहरूलाई गराउँदैछौँ। र फेरि अर्को कुरो, हामीले एभ्री इयर हामीले एकदमै निधी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि फ्री अफ कस्टमा हामीले कोर्सहरू पनि गराइरहेको छौँ फ्री कम्प्युटर लिटरेसी ड्राइभमा। र यसपालि यो ब्याच जो 2 महिनामा उनीहरूको क्लासहरू सकेर उहाँहरू यहाँबाट जानुहुन्छ बाहिर सबै कलेजहरू गर्नुको लागि, त्यस पश्चात हामीले जति पनि जयगाउँ भेकमा भएको सम्पूर्ण हाउसवाइफहरू छ जो हिचकिचाउँछन् हामी कसरी नानीहरूसँग गएर कसरी सिक्नु, सबैजनाले कम्प्युटर सिक्नु चाहन्छ तर उहाँहरू हिचकिचाउनुहुन्छ कि हामी नानीहरूसँग चाहिँ कसरी सिक्नु, सबैजनाले सिक्नु सक्छ। हामीले उहाँहरूको लागि अलग्गै एउटा क्लासरुम रेडी गरेको छौँ, उहाँहरूलाई अलग्गै राख्छौँ, यसको लागि उहाँहरूले कुनै पनि फिजहरू हामी चार्जेस गर्ने छैनौँ। र उहाँहरूलाई यो 2 महिनाको फ्री कम्प्युटर लिटरेसी ड्राइभ चल्छ, यसमा हामीले वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र विन्डोज हामी गराउँछौँ। त्यसकै लागि हामीले यहाँ हाम्रो जति पनि हाम्रो कोर्सहरू डिजाइन हामीले गरेको छौँ, हामीले यहाँबाट गएर हर क्षेत्रमा अहिले त सबैलाई थाहै भएको कुरो हो, कम्प्युटर नभए त केही कामै छैन। नानीहरूले डिप्लोमा गर्छ, डिग्री गर्छ, बाहिर गएर कलेज गरिसकेपछि कम्प्युटर डिप्लोमा नभइकन हुँदै हुँदैन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, अहिले जब पुरा अपर्च्युनिटी निक्लिरहेको छ, जस्तै यहाँनिर हाम्रो अग्निवीर भयो, अहिले पञ्चायतको रिलेटेड हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर जुन चाहिँ गभर्मेन्टले नोटिफिकेसनहरू जारी गरेको छ त्यहाँ सबमा कम्प्युटर कोर्समा आएको छ। र दिनहुँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जब जबको लागि एप्लाई गर्नु जान्छ त्यतिखेर कम्प्युटर चाहिँ को सर्टिफिकेट चाहियो, त्यतिखेर कुद्दिएर यहाँ आउँछ, त्यतिखेर त हामी सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्नु सक्दैनौँ, होइन? भनिन्छ नि जब तिर्खा लाग्यो तब कुवा खोज्नु थाले। पहिला नानीहरूलाई हामी यही काउन्सिलिङ गर्छौँ कि पहिल्यै 9, 10, 11, 12 कलेज गर्दा गर्दै कम्प्युटर डिप्लोमा डिग्रीहरू चाहिँ लिएर राख, ताकि कुनै पनि जबको लागि फ्युचरमा गएर उहाँहरूलाई प्रब्लम नहोस् र आफ्नो फ्युचर सेक्योर होस्। कोर्सेसहरू सर्ट टर्ममा सिसिए छ, एसडिसिए छ, डिएफए छ, एसडिसिए, पिजिडिसिए, अलग अलग, जस्तै क्लास 10 को लागि सिसिए छ, 12 गरेकोहरूले एसडिसिए छ, पिजिडिसिएहरू छ, डिप्लोमा कोर्सेसहरू, सर्टिफिकेट कोर्सहरू। अब जस्तै अहिले हामीले रिसेन्टली यदा गुरु भनेर हामीले लन्च गरेको छौँ, त्यो डिजिटल मार्केटिङ, अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको मार्केटिङ युगमा डिजिटल मार्केटिङ पनि गर्नु जरुरी छ। डिजिटल मार्केटिङमा हामीले वेबसाइट डिजाइन गर्नु, फोटोसपहरू, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी भिडियो अपलोडहरू गर्ने, मान्छेलाई कसरी मार्केटिङ गरेर गर्नु सक्छ, त्योहरू पनि हामीले गराउनु लन्च गरेको छौँ रिसेन्टली। र आज यस यही विषयमा नै म भन्नु आँटेको थिएँ तपाईँलाई, आज यसको विषयमा पनि हाम्रो काउन्सिलिङ छ एआई च्याट जिपिटी भनेर। र अहिले एआईले मार्केट पुरा लिँदैछ र यो एआईको जमानामा पनि हामीले के गर्नु सक्छौँ भने यसले यसमा एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। र एआईको युगमा हामीले एआई रिलेटेड पनि, एआईलाई युज गरेर पनि हामीले अब कोर्सेसहरू सुरु गर्दैछौँ। अब जस्तै हामीले अफिस प्याकेजमा भयो या डिजाइनिङमा भयो, सबै एआईकै हेल्प लिन्छौँ र त्यसको विषयमा पनि आज काउन्सिलिङ छ। यही मेसेज दिन्छु कि जति पनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छ जसले कम्प्युटर गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले आएर कम्प्युटर गर्नुहोस् र सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स बनाउनुहोस्, ताकि फ्युचरमा तपाईँहरूलाई रिग्रेट नहोस्। कहीँ पनि गएर कुनै पनि जबको लागि एप्लाई गर्दा तपाईँहरूले कम्प्युटरको डिप्लोमा चाहिँ, कम्प्युटर नलेज चाहिँ खोज्छै खोज्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। र जति पनि तपाईँको फ्री टाइम हुन्छ या टाइम निकालेर कम्प्युटरको डिप्लोमा यहाँ हाम्रोमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, थुप्रै इन्स्टिट्युटहरू छ, तपाईँहरू यहाँबाट बाहिर पनि जानुहुन्छ भने गएर चाहिँ कलेज सँगसँगै तपाईँहरूले कम्प्युटर कोर्स चाहिँ जरुर गर्नुहोस्। यही मेसेज महिलाहरूको लागि, हामी नयाँ अघि मैले भनिहालेँ, जति पनि हाम्रो जयगाउँ एरियामा जति पनि हाम्रो हाउसवाइफहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले फ्री कम्प्युटर लिटरेसी ड्राइभ राखेको छौँ, फ्री अफ कस्ट, यसमा कुनै प्रकारको चार्जेस हामी लिने छैनौँ। र यो हामीले एडमिसन सुरु गरिसकेको छौँ, फर्म हाम्रोमा छ, फर्म लिएर उहाँहरूले फर्म फिलअप गरेर जमा गर्नुहोस्। फर्स्ट ब्याच हामीले 48 सिट मात्रै एभाइलेबल छ, 48 पहिला हामी गराउँछौँ,
त्यस पश्चात फेरि हामी अगाडिको बारेमा सोच्दैछौँ। यसमा तपाईँको हामी अफिस प्याकेज कम्प्लिट गर्छौँ, त्यसमा तपाईँको विन्डोज हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज हुन्छ, वर्ड हुन्छ, एक्सेल हुन्छ र पावर पोइन्ट, यो जति पनि अफिस प्याकेजमा चाहिने चिज कम्प्लिट प्याकेज हामी गराउँछौँ। यो गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई जो स्कुल पढ्दैछ उहाँहरूलाई कम्प्युटर रिलेटेड पनि हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। म मनोज प्रधान, फ्याकल्टी कम प्रोप्राइटर, आइसेक आइआइटी कम्प्युटर एजुकेसन। नमस्ते, मेरा नाम अमीना बीबी, हम गुवाहाटी जयगांव से हैं। लास्ट टू मंथ से हम यहाँ कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो लॉकडाउन से हम लोग का एहसास हुआ कि कंप्यूटर कोर्सेज ना होने का वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ा, खुद को, बच्चा को भी। इसीलिए हम लोग उस टाइम से बहुत रिग्रेट कर रहे थे। अभी कोर्सेस निकला नया डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो हम लोग यहाँ ज्वाइन किए, अभी हम लोग कोर्स कर रहे हैं। कोर्स के बाद हम लोग डिजिटल कोर्सेस या फिर न्यू बिजनेस कोर्सेस, एफिलिएट मार्केट वगैरह, वो सब सीखने का आशा है। तो हम लोग कर रहे हैं और हम लोग आगे सोचते हैं कि हम लोग जैसे हाउस वाइफ जो भी घर में बैठे हुए सब कोई आके सीखे, थोड़ा बहुत इंग्लिश और थोड़ा कंप्यूटर चलाने से हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ ज्वाइन करके 2 मंथ्स हुए, हम 1 ईयर का कोर्स लिए। 2 मंथ्स में हम लोग वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद पावर पॉइंट वगैरह सीखा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग का साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैम, जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं, जी, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा आपको? हम लोग को लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ा था, वो मोबाइल चलाने से ज़्यादा कुछ भी आता नहीं था, तो उस टाइम में वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, लिंक वगैरह, बहुत कुछ हुआ, तो उस टाइम से हम लोग को बहुत तकलीफ होता था। तो हम लोग अभी बच्चे लोग भी यहीं पे सीख रहे हैं, उन लोग सीख के उन लोग से भी हम लोग थोड़ा बोल रहे हैं, मम्मी आप लोग भी सीखिए, तो हम लोग ज्वाइन किए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाला दिन सब फ्री है बोल के बोल रहे हैं सर लोग, तो अगर सब हाउस वाइफ आके अगर ज्वाइन किए, फ्री से सीख लिए, तो अच्छा होगा जयगांव के लिए। मेरा नाम अमीना बीबी, गुवाहाटी से। नमस्ते, मैं रुकी दत्ता, मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ। मेरा 3 महीना हो चुका है यहाँ पर ज्वाइन करके। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ज्वाइन करके सबसे ज़्यादा लेडीज़ लोगों को क्या होता है कि एक आत्मविश्वास आता है जो हम लोगों में कम था। जैसे बच्चा लोगों को पढ़ाने जाइए तब भी वो लोग बोलते हैं मम्मी आपको नहीं आता है, वो सब बहुत कुछ हम लोगों को ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आके बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे हम लोगों को नौकरी करना ही है ऐसा कुछ नहीं है, खुद के लिए भी सीखना चाहिए मुझे लगता है सब लेडीज़ को। घर के काम करते करते हम लोग अपने आप को खो देते हैं, ये अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, जीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर सीख के क्या होता है कि अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ भी करने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बात करना शुरू कर रहे हैं अभी, जैसे आप लोगों से कर रहे हैं, पहले करने में भी डर लगता था। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, मैम सर इतना हम लोगों को कोऑपरेटिव है, मतलब हम लोगों को घर जैसा माहौल है यहाँ पे। और बच्चा लोग भी, छोटा छोटा बच्चा है, लेकिन पहले जैसे मुझे बहुत शर्म आता था कि छोटा बच्चों को बीच में आके क्या कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं ना, मतलब कोई शेम नहीं है, वो लोग सब हेल्पफुल है। अभी तो हम लोग ऐसे एक फैमिली जैसा हो गए हैं। मैडम, आप कोर्स करके क्या करेंगे? मेरा CCA है। क्या करेंगे? अभी तो कुछ करने के लिए नहीं सोचे हैं, अभी खुद के लिए कर रहे हैं, देखते हैं इससे आगे क्या करना है। मैं सब लेडीज़ को यही बोलना चाहूँगी कि आइए सीखिए, खुद के लिए सीखिए, थोड़ा बहुत टाइम तो खुद के लिए भी देना चाहिए ना। और आजकल लेडीज लोग तो सब चीज़ में आगे है, तो हम लोगों को भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और सर फ्री में जैसे कर रहे हैं तो आप लोगों को पैसा भी नहीं लगेगा, थोड़ा आके आप लोग कोऑपरेटिव कीजिए, सर से सीखिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। मैडम का नाम? मेरा नाम रुमकी दत्ता, NS रोड में। कहाँ